हल्द्वानी शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर ना तो आपको हवा मिलेगी ना शौचालय की व्यवस्था। वहीं आए दिन हवा डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से लोगों की झिकझिक होती है। वहीं शौचालय पर हर वक्त ताला लटका रहता है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों में हवा तो डाली जाती है लेकिन उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। वहीं नैनीताल रोड में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कर्मी हवा डालने के एवज में सुविधा शुल्क लेता दिखा, जिसको लेकर वाहन चालकों ने नाराजगी दिखाई। मामले को लेकर पर्वतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चेतन ब्लूटिया का कहना है कि इस विषय को मीटिंग में रखा जाएगा। मोस्टली वैसे ज्यादातर जगह में पेट्रोल पंप में मनाही कर देते हैं हवा के लिए, बोलते हैं अभी खराब हो रहा है या लड़का नहीं है या कुछ भी। मैं अल्मोड़ा से हूँ, अल्मोड़ा में तो खैर मोस्टली आई नहीं, और खासकर शौचालयों की भी हालत खराब ही है। शौचालय लगभग या तो खराब पड़े हैं या तो इतने गंदे पड़े हैं, साफ सफाई रखते नहीं है तो जाएगा कैसे। खास हमारे होता है, मिलते हैं तीन लड़के हमारा होता है, हमारा वहाँ नहीं होगा, बगल में होगा, इधर होगा, बगल वाले भी रोड के चलते हुए लोग तक हमारे वहाँ आते हवा भरने। ये ऊपर लिखा ना फ्री सेवा करके, आदमी तेल कहीं और भरा हवा का बंदा रहता ही है अक्सर, और टॉयलेट हमारा दो अशोक ले जाते हैं, लेडीज वाला एक जेंट्स वाला और एक स्पेयर में रहता है साफ सुथरा, तीन टॉयलेट हमारे यहाँ। ये हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी ही करानी है, जैसे कि फ्री एयर है, टॉयलेट्स हैं और पानी देना है, आर ओ का पानी नॉल, ये सब हम हमारी कंपनी की तरफ से हमें गाइडलाइंस हैं कि हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी करानी है। और देखिए पर्सनली तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पंप में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और हम लोग ये पूरे कंपनी के जितने भी बायलॉज और नियम है वो हम इम्प्लीट कर रहे हैं।